वीडियो बना रही हूँ। मेरा फोन आ गया तो उसकी अनबॉक्सिंग वीडियो जो है मैं वैसे तो मैं ओपन कर दी हूँ तो लेकिन उसकी अनबॉक्सिंग वीडियो मैं आपको जरूर दिखाऊंगी, उसके फीचर्स के बारे में बताऊंगी। एंड मैं अभी आपको नहीं बताऊंगी कि मैंने कौन सा फोन ऑर्डर किया है। तो आज जो है वो मेरा लास्ट डे है देहरादून में, तो अभी मैं बस रेडी हो रही हूँ। फटाफट रेडी क्या होना, बस बाल कॉम करना है और मैं निकलूँगी। क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि आपको ना सीधा मतलब कि मेरठ के लिए ना बसेस वगैरह नहीं मिल पा रहे हैं, तो फिर थोड़ा पहले निकलना होगा क्योंकि फिर पहले मोदीपुरम जाओ, मोदीपुरम में बस उतारेगी, देन आपको मतलब कि वहाँ से आगे मेरठ के लिए बस मिलेगी, वो सिस्टम है। तो जाना तो कल ही था बट फोन इतना लेट आया एंड इसलिए मैं जो है नहीं गई थी, तो आज जा रही हूँ मैं। यार ये बाल पता बहुत बड़ा मत है, अभी वर्षा जा चुकी है, मैं वर्षा के रूम पर रुकी हूँ, इसका पेपर था तो वो चली गई है। रात में बहुत फोटो सेशन चला है हमारा, मतलब नया फ़ोन था एक्चुअली। मुझे इस फ़ोन के फीचर्स वगैरह के बारे में भी उतना आइडिया नहीं है, धीरे धीरे ही पता चलेगा कि क्या है नहीं है। अरे कोई नहीं है, मतलब जो यूट्यूब का ज़माना है तब कोई क्या बोल सकता है कि आराम से यूट्यूब पे देख लो कैसे क्या वर्क करता है, हो गया। एंड मैं जो है रेडी हूँ, बस मुझे और कुछ भी नहीं, थोड़ा सा वाइट टोन पाउडर मैं लगाऊँगी, मेरे पास तो नहीं वर्षा का। And I'm done. तो बस इतना ही होता है मेरा डेली रूटीन का, कुछ जॉनसन बेबी लगा लो या कुछ, मैं अधिकतर तो जॉनसन बेबी ही लगाती हूँ। बस आज मैं लगाई वाइट टोन पाउडर बहुत दिन के बाद, क्योंकि वर्षा के पास रखा हुआ था तो इसलिए मैंने लगा लिया। ओह गॉड, अभी मेरा फिर से फ़ोन गिरने वाला, ये जो सामने में रखा, मेरे एकदम दिल जो होता है ना हाथ में निकल के आ जाता है हाथ में जब मेरे फ़ोन को अब कुछ होता है। तो अब मैं फ़ोन को कुछ भी नहीं होने के लिए दूंगी। तो बस ऐसे ही सुबह उठी थी, तकरीबन 7 बजे मैं उठ गई थी, हाँ 7 बजे उठ जाती हूँ मैं। एंड गाइस ये देखो पिंपल, ये जो नतीजा आप देख रहे हो ना ये होली का है, ये पक्का कलर जो पड़ा था ना उसी का नहीं, पूरे फेस पे ये हो गया, एक इधर साइड भी हो गया, साइड गुट भी कोई आया है। दीदी आई है पोछा लगाने के लिए, फिर से गिरने वाली थी। तो अब मैं निकल रही हूँ, सीधे मिलूंगी, होप सो देखती हूँ कुछ चाय पानी हो सके, तो भूख लग गई मुझे बहुत जोर से, तो नहीं तो फिर निकल जाऊँगी। हाँ परसों आप आए थे, ये बोल रहे आप आए नहीं हमने, कल आप नहीं आए थे, कल नहीं आए थे, ये बोल रहे 2 दिन से नहीं आए, मैंने काम कर रही थी, नहीं आपको कहाँ से पता कि आएंगे नहीं। नहीं परसों ही तो अंकल ने साफ करवाया वरवाया था ना, इसलिए वो वॉशरूम वगैरह, परसों तो आप आई थी। तो गाइस अब मैं निकल चुकी हूँ बस स्टैंड के लिए, एंड देखो अभी कितनी धूप तेज है यार, मेरा सामान तो धूप देखो कितनी तेज़ है। यहाँ के ना मौसम की कोई गारंटी नहीं होती है, रात में क्या होती है पूरी ठंड सी होती है, आप ब्लैंकेट ओढ़ लो कि एंड दिन में यहाँ गाइस देखो भयंकर धूप होती है, लेकिन बहुत धूप होती है। तो यहाँ के मौसम की कोई गारंटी नहीं है कि कब कैसा हो जाएगा। तो मैं थोड़ा गली के रास्ते से जा रही हूँ क्योंकि थोड़ा छाँव है ना, इसलिए मैं खुश भी हूँ कि मेरा फ़ोन आ गया, लेकिन दुखी भी हूँ क्योंकि मेरे से सुमन का फ़ोन गुम हो गया, मुझे उसे देना है, फिर से धूप। तो गाइज व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा है। तो बस अभी पहले जा रही हूँ क्योंकि 6 तारीख से मेरे पेपर है, मेरी क्लास छूटे बस इसी फ़ोन को रिसीव करने के कारण, क्योंकि मतलब जहाँ मैं मेरठ में रहती हूँ वहाँ पे भी सुमन नहीं थी तो कौन फ़ोन रिसीव करता, और मेरी रूम ऑनर भी नहीं थी तो इसलिए मेरे भाई ने यहीं पर फ़ोन ऑर्डर कर दिया था। तो यहाँ पर तो सारे फ्रेंड्स लोग हैं, सबने रिसीव कर लिया, मेरे पास आ गया, वहाँ पर तो कोई भी नहीं था, तो इसलिए अब मैं जा रही हूँ, देखती हूँ मतलब कब तक पहुँचती हूँ क्योंकि रूट थोड़ा सा लिटिल बिट डिफरेंट है, डायरेक्ट मेरठ नहीं, यहाँ से मोदीपुरम, मोदीपुरम से फिर वैसे ही बस वगैरह कुछ लेना होगा। तो बने रहिए मेरे साथ, यार बहुत दुख भी हो रहा है कि मैं देहरादून से जा रही हूँ, मुझे यहाँ से बहुत प्यार है, आई लव देहरादून, मैं बहुत मिस करूँगी यहाँ पर। यहाँ क्या होता है मैं अकेली भी रहती हूँ ना तो मुझे बड़ा मन लगता है, लेकिन ऐसा कुछ मेरठ में या कहीं और जगह नहीं है, मुझे घर से भी मैं क्या बताऊँ इतना लगाव नहीं है जितना मुझे देहरादून से लगाव है।
इसलिए पता नहीं क्यों ऐसा हो गया है, बहुत अपनापन सा, बहुत सुकून सा मिलता है जब भी मैं यहाँ पे रहती हूँ ना, तो बहुत सुकून सा मिलता है मुझे। तो इसलिए मैं, मुझे आना है, मैं एग्ज़ाम के बाद फिर से आऊँगी, क्योंकि मुझे बहुत सारा अपना मन्नत पूरा करना है जो मांगा हुआ है, क्योंकि मन्नत ऐसे नहीं रहना चाहिए, बहुत दिन हो गया। तो अब मैं आऊँगी एग्ज़ाम के बाद, सारा काम फिनिश करके निश्चिंत से आऊँगी। तो अभी तो चलती हूँ, गॉड ये मैं अपने भाई को दे जाऊँगी, क्योंकि वो घर छोड़ दे, मेरे घर जाएगा वो एग्ज़ाम के बाद, तो लेते जाए, तो ये मैं उसी को दे दूँगी। और ये मेरा मोबाइल का बॉक्स है, इसको तो खाली कर दूँगी मैं अभी जाके बस पे बैठ के। तो मिलती हूँ आपसे बस स्टैंड में, यार देखती हूँ अगर कुछ ऐसा हुआ तो मैं ज़रूर शूट करूँगी, बिना नहीं। तो गाइस अभी जस्ट जो है मैं की बस स्टैंड पहुँची, अभी बस मेरी दूर की बस स्टैंड में ही है, मुझे बहुत जोर की भूख लग रही है यार। तो अभी चिप्स वगैरह कुछ होंगे से ज़्यादा तो कुछ हो नहीं सकता है, अभी पता नहीं कितनी देर बस जो है यहाँ पे रुकने वाली है। मैं आपको एक चीज़ दिखा रहा हूँ, यहाँ पे कोविड का टेस्ट हो रहा है, यहाँ पे कोविड का टेस्ट हो रहा है। कोई भी इससे पहले क्या था, किसी पहले किसी ने मास्क नहीं पहना था, और फटाफट जैसा मतलब कि अभी पहुँचे यहाँ पे हम लोग बस स्टैंड, सब ने मास्क पहन लिया डर के कारण। तो मुझे लगता है बहुत लेट हो जाएगा पहुँचते पहुँचते हम लोगों को, आई होप सो फिंगर क्रॉस्ड जल्द ही पहुँच जाएंगे। बुरा बहुत लग रहा है यार कि देहरादून छोड़ के जाना पड़ रहा है, मतलब क्या करें, देहरादून तो हमारे जाने दिन जगह सब देहरादून में बसता, लेकिन होता ना कि एक जगह कंटिन्यूस तो नहीं रह पाते हैं ना हम लोग, तो सही वही प्रॉब्लम है और कुछ नहीं है। लेकिन इन फ्यूचर के साथ कुछ ऐसा होना, घर बनाना टाइप से कि घर बनाना हो कहीं दूसरे, अगर कभी दूसरे स्टेट में घर बनाना हो तो मैं सबसे पहले ना देहरादून को प्रेफर करूँगी। देहरादून में घर बनाना है, मुझे बहुत शौक है, मेरा दिल है कि मैं वहाँ करूँ। तो चलो गाइस बने रहो, दुखी मन से भारी मन से मैं देहरादून से मेरठ जा रही हूँ। तो अब मैं देखती हूँ सीधे मेरठ में, मैं तो कहीं मिलती हूँ आप लोगों से डायरेक्टली मेरठ में। गाइस अभी हम लोग जस्ट पहुँचे हैं मुजफ्फरनगर का बस स्टैंड, रात हो गई है, सीरियसली बता नहीं सकते यहाँ पे कितना देर ढाबा के पास यहाँ भी रुकेगा, या ढाबा आगे ढाबा है वहाँ भी रुकेगा, पता नहीं कब तक पहुँचेंगे, समझ नहीं आ रहा, इतना ज़्यादा लेट हो गया। ये तो ठीक भी है, अगर दिन में निकलते तो इतना ज़्यादा जाम फंसता कि रात में पहुँचते हम लोग, जैसे कि हम लोग निकले थे तो फिर वही हुआ था हमारा कि सीधे हम लोग कितना जाम हो गया था कि जाम में फंसते थे, रात में पहुँचे थे। तो यार बैठे बैठे बहुत मन ज़्यादा एडिट हो रहा है, रूम में बैठे बैठे मेरा मन इतना ज़्यादा इरीटेट हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा इरीटेट हो रहा है। और उतर के जाऊँ तो जाऊँ कहाँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए आराम से बैठे हुए यहीं पर देखती हूँ अब कितना देर यहाँ पे रुकता है, एंड सिर्फ यहीं रुकता है या फिर आगे जिन ढाबा पे भी रुकता है, कहीं और ना रुके बस यहीं तक रुके। और चहल पहल तो काफ़ी अच्छी है यहाँ पे, रात हो गई है, ओह माय गॉड, अभी गुड नाइट बोलने का टाइम है, हम लोग बैठे गुड मॉर्निंग गाइस। मैं देहरादून आ गई, मैं रात में पहुँची थी साढ़े 10 के करीब, मैं रात में देहरादून पहुँची थी। तो क्या करती थी, और मुझे इतनी ज़्यादा एजिंग हुई थी ना, मैं फटाफट नहा के ना सो गई थी। तो अभी बैग वैग तैयार करके मैं जा रही हूँ लाइब्रेरी पढ़ने के लिए, क्योंकि मेरा पेपर है 6 से, इसलिए वहाँ शूट नहीं कर पाऊँगी क्योंकि सर मना है इसलिए, और बैग वैग ले जाने नहीं देता। तो अब मैं जा रही हूँ लाइब्रेरी, एंड पता नहीं मैंने कल का ब्लॉग जो वो ये ब्लॉग जो शूट किया रिटर्निंग का, क्या शूट किया मुझे भी कोई अंदाजा नहीं कि मैंने क्या शूट किया, ऐसे ही रैंडमली मैंने कुछ भी कर लिया। मेरे रूम ओनर मिल गए थे गाइस, तो इसलिए अभी वो ज़्यादा है क्या ना कि आप अगर वीडियो शूट करो ना, एवरीवन स्टेयरिंग लाइक ओ माय गॉड व्हाट शी डूइंग, इसलिए वो ज़्यादा थोड़ा अजीब सा, क्योंकि माहौल मतलब डिपेंड करता है ना हर एक चीज़ पे। तो मिलती हूँ आपसे बाद में, बाय।
तो गाइस अभी जस्ट मैं आई हूँ लाइब्रेरी से एंड यार मैं जो थर्ड फ्लोर पे हूँ ये मैं सबसे ऊपर वाला फ्लोर पे रहती हूँ। इतनी गर्मी है भाई साहब मैं बता नहीं सकती हूँ। मैं मुझे पंखा ऑन करने को नहीं मुझे बता नहीं होगा। फैन हो गया ऑन तो फैन भी ऐसे 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 ही हो रहा है एकदम स्लोली सा। तो अभी मैं जस्ट जो है थोड़ा फ्रेश हुई हूँ, मूड होया मैंने अभी क्योंकि पूरा दिन लाइब्रेरी में ऐसे ही मतलब 11 बजे समथिंग में चली गई थी, 11-12 बजे एवरेज में, तो थक गई हूँ बहुत ही ज़्यादा। तो अभी आपको ना सॉन्ग का आवाज़ आ रहा होगा तो यहाँ पे कि ना क्या हो रहा है कोई फंक्शन हो रहा है सॉरी, तो उन्हीं का पता नहीं बर्थडे फंक्शन है कि क्या फंक्शन है। तो मेरी रूममेट बोलती है पूरा एक्साइटेड होकर रानी कहाँ फंक्शन हो रहा है, मैं बोली यहीं पे हो रहा है पता नहीं क्या है, तो वो बोलती है हमें नहीं बुलाएगा क्या, बोली ये हमारा घर नहीं है। तो इसलिए तो अब जो है गाइस मैं इस वीडियो को इस व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। अब मैं कोशिश करूँगी मैं रेगुलर रहूँ क्योंकि मैं मतलब एक दो मंथ से कुछ मेरा ऐसा ही हो रहा है कि मेरा रेगुलर नहीं हो पा रहा है। एक तो कभी फ़ोन का प्रॉब्लम, कभी कोई प्रॉब्लम, कभी कोई प्रॉब्लम, मुझे ऐसा कभी फील हो गया कि मैं प्रॉब्लम की चलती फिरती भंडार हूँ। तो अब मैं कोशिश करूँगी कि मैं रेगुलर वीडियोज़ अपलोड करूँ। आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, आप लोग का सपोर्ट रहा प्यार रहा तो मैं ज़रूर करूँगी। तो इस वीडियो को मैं यहीं करती हूँ, जाते जाते प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। बाय बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, बाय।